ये बन गया गर्मा गरम लूची। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आप सबको हैप्पी रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आज शिवरात्रि है तो मैं सुबह जल्दी उठ के जल्दी जल्दी नहा लिया और मंदिर की भी साफ सफाई कर ली। सुभाष और अनन्या अभी सो रहे हैं, उनको थोड़ी देर में उठाऊंगी। तो मैंने दी मीनवाइल मंदिर की फटाफट सफाई कर ली, फूल वगैरह तैयार कर लिए। देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। मंदिर की सफाई हो गई, फूल तैयार हो गए। मंदिर के बर्तन मैंने कल ही धो के रख दिए थे, शाम को ही बर्तन वगैरह थोड़े से यहाँ पे लगा देती हूँ। भगवान जी की आरती की थाली वगैरह बना देती हूँ तब तक। फिर सुभाष को उठाऊंगी और अन्य को भी उठाऊंगी। वो बोल के सोई थी रात को कि मुझे उठा देना जल्दी, मुझे भी पूजा करना है आपके साथ, फूल चढ़ाना है भगवान को। ये छोटे छोटे बर्तन है ना, ये देखिए मेरे पास है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, पर जो भी है बहुत क्यूट से, छोटे छोटे से। ये सब मेरी माँ लेके आई थी। ये देखिए तो सुंदर सा, ये वो जगन्नाथ हरिद्वार यहाँ जाती रहती हैं तो वहां से लेके आई थी छोटे छोटे से। ये देखिए, ये जनरली मैं अंदर रख देती हूँ जब पूजा होता है, कुछ स्पेशल व्रत वगैरह होता है मेरा तो उस दिन निकालती हूँ पूजा करने के लिए। अभी सब फूलों में और सब उनमें गंगा जल छिड़क दूंगी थोड़ा थोड़ा। अब फूल इतने सुंदर सुंदर है, मैं सोच रही हूँ मेरे पास माला नहीं है, फूल की माला बना लेती हूँ एक छोटी सी। अब बन गई मेरी शिव जी की माला रेडी, सुंदर है ना, कलरफुल सा। एक्चुअली शिवरात्रि के साथ ना मेरी काफी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हैं, इन द सेंस मैं बचपन से ही शिवरात्रि का व्रत करती आई हूँ। पहले हर मंडे भी करती थी लेकिन अभी थोड़ा मेरे को हेडेक माइग्रेन का इश्यू होना शुरू हो गया है तो मैं मंडे को नहीं करती हूँ, पर शिवरात्रि का फास्ट मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो बचपन से ही शिवरात्रि के दिन फास्ट रखती थी और जनरली ये शिवरात्रि हमेशा एग्जाम्स के टाइम पर ही पड़ता था तो शिव जी से बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स के लिए प्रे करती थी। और बंगालीज में ना जब शिवरात्रि होता है तो आप जनरली पूरे दिन कुछ नहीं खाते हो, आप अगले दिन पूजा करके फिर अपना व्रत खोलते हो। तो मम्मी लगी रहती थी पीछे की कोई बात नहीं, पी लो थोड़ा सा चाय, कुछ नहीं होता, पी लो। तो एक बार फिर मैं चाय पीती थी और एक बार फ्रूट्स और पानी पीती थी एक बार ही, और मम्मी बना के लेके आती थी चाय। अभी खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही पीना पड़ता है। तो और फिर अगले दिन सबसे बेस्ट होता था जब मैं व्रत खोलती थी तो हमारे बंगालीज में होता है आलू भाजा, मतलब आलू को पतला पतला फ्राई करते हैं और उसको मुरमुरे के साथ खाते हैं। तो मैं हमेशा आलू भाजा और मुरी ही खाती थी तो वो हमेशा वही बना के देती थी मुझे। फिर बड़े हुए ऑफिस जाना शुरू किया तो ऑफिस में भी फ्रेंड्स के साथ मंदिर जाके शिव जी को पानी चढ़ाते थे। तो ना पूरे एक फेज था शिव जी का, शिवरात्रि मनाने का भी। मम्मी जब पूजा करती थी शिव जी का तब हम फूल लेने जाते थे उनके लिए पूजा करने के लिए। वो शिव जी का फेवरेट होता है ना, बंगाली में आकोंदो फूल बोलते हैं, छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो वो लेके आती थी मैं तोड़ तोड़ के मम्मी के पूजा के लिए। तो ये सब मेमोरीज जुड़ी हुई है शिव जी के साथ, शिवरात्रि के साथ। पर अभी ऐसा है कि थोड़ा सर दर्द होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं नेक्स्ट डे तक फास्ट नहीं रखती, मैं शाम को ही पूजा करके शाम की पूजा करके व्रत खोल देती हूँ। तो मेरे ख्याल से अनन्या और सुभाष भी उठ गए, उनकी आवाज़ आ रही है मुझे तो उनको फटाफट बोलती हूँ फ्रेश फ्रेश हो जाए फिर हम लोग पूजा करते हैं। और ये हमारे दोनों अनमोल रतन भी तैयार हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, सेम टू यू। चलिए फटाफट पूजा कर लेते हैं। अभी दोनों उठ गए, फ्रेश हो गए हैं, धक्का दे दे के इनको करवा दिया है। तो अभी चलते हैं पूजा करते हैं। अनन्या हेल्प करेगी मेरी, नहीं करेगी? अच्छा, तो पूजा करते हैं और उसके बाद पीती हूँ चाय। मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। फास्ट का सबसे टफ पार्ट मुझे यही लगता है
कि सुबह उठ के चाय नहीं पी पाती हूँ, जो मैं बहुत मिस करती हूँ। जब तक चाय नहीं पीती मेरा मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होता है। तो पूजा करके सबसे पहले चाय बनाऊंगी अपने लिए, बिल्कुल कड़क सी। तो अभी हमारी पूजा घर में पूरी हो गई है। इसके बाद हम जनरली मंदिर जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने, पर आज मेरी मम्मी का फोन आया था अभी, तो उन्होंने बोला कि शाम को 5 बजे से है शायद टाइम, तो हम शाम को ही जाएंगे मंदिर शिव जी को फिर पानी चढ़ा के आएंगे। अभी फटाफट करती हूँ चाय। सारी प्रिपरेशंस एक्चुअली मैंने सुबह ही कर ली थी, जब तक एनर्जी रहती है कर लो सारा। तो ये आलू उबाल लिए थे मैंने, और ये दोपहर के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, ये हो गया। शाम को छोले, तो सब प्रिपरेशन रेडी है, बस बनाना शुरू है। सबसे पहले चाय शुरू करते हैं। यस यस। शिवजी को बादाम खिला दिया। शिवजी को बादाम खिला दिया उसका मिठाई का निकाल के। ये देखो शिवजी को उसने बादाम खिला दिया। बच्चे ना। आज मैं बना रही हूँ बिना प्याज के खाना, आज पूरे दिन बिना प्याज के बनाऊंगी। तो आलू भी, आलू के पराठे में मैं प्याज व्याज नहीं डालूंगी, सिर्फ सिंपल सिर्फ मसाले डाल दूंगी बस। मेरा आलू डन है, आलू का मसाला बिना प्याज के। इधर चढ़ा दी मैंने चाय, आटा है, क्या आलू ठीक है? लग रहा है। मुझे पराठा भी नहीं बनाना पड़ेगा, आलू आलू खा लो दोनों। मुझे पराठा भी बनाना पड़ेगा, तुम दोनों आलू ही खा लो। पागल। तो आलू खत्म कर लो, खा खा के पराठे क्या बनाऊंगा फिर? तो झूठा झूठा सब ना, हमने तो खाना है बस। मैं जानूंगी क्या आलू पराठे में क्या डालूंगी। आलू ही खा लो, पराठे की क्या जरूरत है। अच्छा बात, पराठे प्याज व्याज कुछ बनाया नहीं मैंने, नमक का मेरे को आलू में ठीक लगा था नमक इस वाले में साथ। सुभाष और अन्य एंजॉय कर रहे हैं पराठा और मेरी चाय, यम्मी पराठा। कहाँ 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 पराठा कहाँ? जिसने भी ये चाय बनाई है ना, सुभाष को बड़ी हंसी आती है। एक्चुअली सुभाष उतने चाय के शौकीन नहीं है, मिले तो बढ़िया नहीं मिले तो बढ़िया, और यहाँ जितना मिल जाए। मैं सुबह से चाय नहीं पी है आज, अभी पी रही हूँ मैं चाय, या 9:30 बजे सुबह चाहिए होती, लेकिन मॉर्निंग में एक बार चाय होने के बाद। सुभाष को सुबह चाहिए होती है, उसके बाद दिन में ऐसा है कि उसके बाद नींद नहीं खुलती। हाँ, उसके बिना नींद नहीं खुलती। उसके बाद मेरे बाल भी ऐसे हो गए, सुबह से खुले हुए हैं बाल पूरे। शैम्पू के बाद बाल ना बांधो ना, जैसे मेरे वैसे ही बाल थोड़े हवा में उड़ते हैं। नहीं, कैसे हो गए बाल रफ रफ से? एकदम सूख के बांध दो ना बाल, तो वैसे रहते हैं अभी काम के चक्कर में। है ना, रफ से रफ से हो गए। हेयर पैक वगैरह लगाना पड़ेगा, काफी देर हो गया मैंने लगाया नहीं ना, दही वगैरह भी लगाना पड़ेगा, दही वगैरह बालों में। मुझे बचपन से ही ना पैक्स वगैरह लगाने का बड़ा क्रेज था, तो हमेशा फेस पैक, हेयर पैक। काफी दिन हो गए मैंने हेयर पैक लगाया नहीं, अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। देखेंगे आपको मेरे वीडियोस में बहुत तरह के कलरफुल अलग अलग रंग के पैक्स और चेहरे
कि डिफरेंट कलर हो जाएगा, अलग अलग फेस पैक्स और डिफरेंट डिफरेंट चेहरे बनेंगे, है ना? मांझी के अलग रंग, पीले, काले, सफेद। यस, क्या चाहिए आपको? अभी हम आए शिव मंदिर में और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर भजन वर्जन सब हो रहा है। लाइन में लगे अभी हम, कीर्तन वगैरह हो रही है पीछे। माहौल इतना सुंदर होता है ना मंदिर के टाइम का। रुक्मणी मंदिर यहाँ का बहुत सुंदर मंदिर है। दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अभी घर जाके बहुत तेज भूख लगी है, फटाफट खाना खाएंगे, है ना सुभाष? ना फिर ये अनन्या, अनन्या दिखाओ तेरा अपना टीका, तो दिखाओ टीका, दिखाओ अपने अपना। मंदिर साहब के घर में भी पूजा हो गया है, अब पेट पूजा। मैंने शाम को ही बना लिया था। ये है सूखे छोले, हलवा और अभी बनाएंगे लूची। लूची बेसिकली होता है बंगाली पूरी, थोड़ी साइज छोटी होती है और ये मैदे की बनती है। सब कुछ प्रोसीजर सब सेम ही है, बस मैदे से बनता है और उसको बोलते हैं लूची। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आटा एक्चुअली शाम को ही लूची के लिए गूंद लिया था। ये ऐसा है, ये आटा ऐसा है लूची का, ये मैदे का बना हुआ है। तब तक आप देखिए कि मैंने ये पूरी का आटा कैसे बनाया है। मैंने दोपहर को शाम को ही बना लिया था, अब उसको चेक करके आइए। तब तक मैं तलती हूँ पूरियां। तो लूची बनाने के लिए मैं लूंगी मैदा, मैदे में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक इसको मिक्स कर लेंगे हम और इसका बॉइंड बनाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, बॉइंड को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऐसे मसल देंगे उसको। और इसमें हम डालेंगे पानी और इसको थोड़ा हार्ड सा गूंद देंगे, बहुत सॉफ्ट नहीं बनाएंगे इसको, थोड़ा हार्ड सा गूंद देंगे। तो ये मैंने जैसे हम पूरी बनाते हैं वैसे ही इसका भी सेम है प्रोसीजर सब कुछ। जगह नहीं मिल रही मुझे यहाँ पे सुभाष, और सुभाष ने तो अभी आधी जगह घेरी हुई है। और ये देखो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, हाँ। बोलती मैं हेल्प नहीं करता। हाँ सुभाष मिर्ची काट के मेरी हेल्प कर रहे हैं पूरे दिन। सुभाष ने मेरे लिए क्या करा सुभाष, कितनी कितना काम किया मिर्ची काट के। देखो मिर्ची काट रही है, कितनी बड़ी हेल्प है। ये मिर्ची काटना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बिना मिर्ची का स्वाद नहीं आता ना। मिक्स कर दीजिए, नहीं नहीं इसका नहीं है, ये इसका बीच का कलर थोड़ा काला हो गया। मिर्ची गोल गोल पूरी, पहली पूरी ही गोल आ गई। जनरली फर्स्ट एक दो खराब निकलती है, आज तो मेरी पहली पूरी देखो देखो गोल गोल ये बन गया गर्मा गर्म लूची। तो ये रहा मेरा खाना। तो चलिए मैं अपना अब खाना खा के व्रत खोलती हूँ। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।
See you till next time. Bye-bye.